हे अरिजित्यान, कैसे हो आप सब? तो गाइस, वीडियो आते ही वीडियो को लाइक कर दे ताकि मेरा एक्साइटमेंट बढ़ जाए, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दे अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, एंड इसके अलावा वीडियो को शेयर भी कर दे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि पहले मैंने एक दो वीडियो डाली थी। सो आप में से बहुत से अरिजित्यान्स ने कहा था कि आप वीडियो बहुत लंबा डालते हैं, सो थोड़ा छोटा कीजिए। सो मैंने वीडियो को छोटा करना सही समझा, तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहली जो न्यूज है अजीत दादा से रिलेटेड, वो यही है कि उनकी कुछ एक दो फोटो अभी रिसेंटली लीक हुई हैं, जिनमें हमें पता लग रहा है कि वो अभी मुंबई में हैं। आप देख सकते हैं, जितने दिन तक रहेंगे वो अभी टाइम तो नहीं पता, लेकिन फिलहाल वो अभी मुंबई में है गाइस, ठीक है। सो जो अगली न्यूज है, वो अगली न्यूज हम जानते हैं। अगली न्यूज के बारे में आपको बताएं तो वो ब्रह्मास्त्रा मूवी के बारे में होने वाली है। आपने मूवी का नेम तो पहले सुन लिया होगा, जहाँ पर सॉन्ग के टाइटल तो अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन सिंगर यहाँ पर अजीत दादा होने वाले हैं। एंड इसके अलावा म्यूजिक की बात करें तो ब्रह्मास्त्र में जितने भी सॉन्ग हैं, सभी सॉन्ग्स को प्रीतम दादा ने कंपोज किया है, एंड लिरिक्स यहाँ पर अमिताभ भट्टाचार्य होने वाले हैं। सो इन तीनों का अगर ट्रियो मिल जाए तो बाकी कुछ अलग होती है, सॉन्ग किसी और ही लेवल पर चला जाता है, ये आप भी जानते हैं मुझसे ज्यादा, ठीक है। सो इसका 15 दिसंबर को, अभी जो 15 दिसंबर आएगी उसको इसका मूवी का जो पहला पोस्टर है वो रिलीज किया जाएगा। एंड बात करें इस मूवी की रिलीज डेट की गाइस, तो ये मूवी 9 सितंबर 2022 को रिलीज होगी। हाँ जानता हूँ टाइम काफ़ी लंबा है, सो वेट तो करना ही पड़ेगा, लेकिन उससे पहले आपको और मूवी आएंगी, उसमें सॉन्ग्स देखने को मिल जाएंगे। तो ये तो थी हमारी पहली अपडेट। एंड इसके अलावा जो ब्रह्मास्त्र मूवी है, वहां पर देखते हैं सॉन्ग एक से ज्यादा होता है या एक तो कंफर्म है ही, या एक से ज्यादा या फिर दो से ज्यादा, वो कंफर्म होने पर मैं आपको बताऊंगा। अगली न्यूज की बात करें, अगली न्यूज है आलिया भट्ट की आने वाली मूवी गंगूबाई काठियावाड़ी, एक जो नई मूवी है उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। वहां पर सॉन्ग्स अभी कन्फर्म नहीं हुए, लेकिन सिंगर यहाँ पर अरिजीत सिंह होने वाले हैं। अरिजीत दादा ने सॉन्ग गाए हैं, एंड एक सॉन्ग नहीं, यहाँ पर दो सॉन्ग बताए गए हैं कि इस मूवी में दो सॉन्ग होने वाले हैं। एंड इसके अलावा यहाँ पर म्यूजिक संजय लीला बंसाली ने दिया है, लिरिक्स यहाँ पर एम तुराज होने वाले हैं। आप इस ट्रियो को जानते हैं, अरिजीत प्लस संजय प्लस एम तुराज, ये वही ट्रियो है जिन्होंने बहुत ही ब्लॉकबस्टर सॉन्ग दिया था, जिसे आप जानते हैं बिन ते दिन, वो सॉन्ग जो आपने इन्होंने दिया था वही सॉन्ग है। एंड वही कमबैक करने वाले हैं फिर से संजय लीला बंसाली, सॉरी गंगूबाई काठियावाड़ी मूवी में। एंड इस मूवी की जो रिलीज डेट है गाइज, ये जो मूवी बताई गई है ये आपको 18 फरवरी को, मे भी आपको 18 फरवरी ही बताई गई है, अभी तक 18 फरवरी को ये मूवी आपको देखने को मिलेगी, संजय लीला बंसाली वाली जो मूवी है ये, अगले साल 2nd मंथ को। एंड यहाँ पर एक छोटी सी लीक और है, ये काफी टाइम पहले किसी ने डाली थी, एंड आज मैंने इस लीक को देख लिया और ये लीक मुझे सही लग रही है कुछ हद तक, सो मैंने आपको ये शेयर करना ठीक समझा। लीक क्या है, लीक यहाँ पर इस प्रकार है कि एक एल्बम होने वाली है जहां म्यूजिक प्रीतम होने वाला है, लिरिक्स अमिताभ होने वाले हैं, एंड गैस करो आप, एंड इसके अलावा दो तो मैंने आपको बता दिए सिंगर अरिजीत दादा होने वाले हैं। एंड यहां पर एक नहीं दो नहीं तीन सॉन्ग होंगे। अब वो मूवी मैंने आपको गैस करने को दी है, जैसे कि ब्रह्मास्त्रा या फिर 83 फिल्म, एंड इसके अलावा लाल सिंह चड्ढा, इनमें से कौन सी होने वाली है। सो हम एक बार जानते हैं, 83 मूवी में म्यूजिक तो प्रीतम है, प्रीतम दादा ने म्यूजिक दिया है, लेकिन यहाँ पर लिरिक्स, यहाँ पर हम जानते हैं 83 में लिरिक्स कौशल मुनीर के द्वारा लिखे गए हैं, एंड एक दो और हैं लिरिक्स उनके द्वारा लिखे गए, लेकिन अमिताभ भट्टाचार्य नहीं है। सो मुझे तो नहीं लगता कि 83 मूवी में सॉन्ग तीन सॉन्ग होंगे, बट इसके अलावा यहाँ पर ब्रह्मास्त्र या फिर लाल सिंह चड्ढा में आपको तीन सॉन्ग देखने को मिल सकते हैं सिंगल एल्बम में, यहाँ पर सिंगल एल्बम की बात कर रहा हूँ। सो यहाँ पर हो सकते हैं एक या ब्रह्मास्त्र या फिर लाल सिंह चड्ढा में, 83 फिल्म में तो नहीं हो सकते तीन सॉन्ग, दो हो सकते हैं मैंने आपको, एंड दो तो है ही आपको बताया था, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है लिरिक्स अमिताभ भट्टाचार्य की। वैसे 83 मूवी में दो सॉन्ग तो आएंगे, एक तो आ चुका है, एक इंडिया जीतेगा, एक रोमांटिक ट्रैक जिसकी हिंट मैंने आपको थोड़ी बहुत दी थी। सो देखते हैं तीन सॉन्ग होंगे या नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पर एक लीक के द्वारा ये आपको बता रहा हूँ मैं कि लाल सिंह चड्ढा फिर ब्रह्मास्त्र में एक सिंगल एल्बम होगी, इन दोनों में से कौन सी भी हो सकती है, एंड उसमें 3 सॉन्ग होने वाले हैं। सो देखते हैं कौन सी होगी वो। तो गाइस यूट्यूब इतना ही था, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, थैंक यू।
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। तो गाइस छोटी सी न्यूज और रह गई है वीडियो में, सो मैं उसे भूल गया था, अब बाद में ऐड कर रहा हूँ। लीक ये है कि राधेश्याम का थर्ड सॉन्ग की कुछ इन्फॉर्मेशन आई है मेरे पास, वैसे ट्विटर पर आपको मिल जाएगी, चेक करोगे सो मैंने आपको बताना ठीक समझाई। इन्फॉर्मेशन इस प्रकार है, एक सॉन्ग आएगा, थर्ड सॉन्ग ही बता रहे, कुछ पार्टी वाला सॉन्ग होगा ये, जहाँ आपको सिंगर आपको जेन दिखेगा एंड म्यूजिक यहाँ पर मनन भारद्वाज ने दिया है, इस सॉन्ग को कंपोज किया है, लेवल आपको बताया टी सीरीज होने वाला है एंड इस सॉन्ग की जो अनाउंसमेंट है वो आपको 12 दिसंबर को देखने को मिलेगी। ये जस्ट लीक है, सो आप ऐसा ना समझे कि पक्का ही जेएन का सॉन्ग होने वाला है। अब आप कहोगे कि आपने न्यूज क्यों दी, सो मैंने इसलिए दी ताकि आप ये ना समझे कि नेक्स्ट सॉन्ग भी अरिजीत दादा का होगा या फिर होने वाला है, हम तो यही चाहते हैं हो, लेकिन फिर भी मैं आपको न्यूज दे रहा हूँ ये ताकि कुछ हद तक कन्फर्म हो जाए, देखते हैं और क्या होता है। एक पार्टी सॉन्ग बता रहे हैं होने वाला है, जस्ट लीक है ये एंड मुझे लगता है लीक शायद ठीक हो ये, क्योंकि लीक किसी ऐसे व्यक्ति ने की थी जिसके अकाउंट पर ब्लू टिक लगा हुआ था, सो कन्फर्म है वो, लेकिन फिर भी देखते हैं होगा या नहीं होगा। तो थैंक यू गाइस, वीडियो में इतना ही था।